हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ डिसअपॉइंटेड मैन रिटन बाय रोबर्ट लैंड। यहाँ पर राइटर एक ब्लाइंड मैन के बारे में बता रहे हैं कि वो एक अंधा है और उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, बट अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी आंखों की रोशनी आ गई है। उसकी आंखों की रोशनी आ तो गई है पर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने ना जब वो अंधा था तो उसने बहुत कुछ सोच के रखा था कि दुनिया ऐसी होगी, इंसान ऐसे होंगे और नेचर बहुत ही खूबसूरत होगा। नेचर तो खूबसूरत है पर उसने इमेजिन में, कल्पना में बहुत कुछ सोच के रखा था। जब उसकी रोशनी आती है तो पहली बार वो अपनी आँखों को खोल कर सारी चीज़ों को देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। वो बोलता है इससे अच्छा तो मैं अंधा ही था, क्योंकि अब जब मेरे आंखों की रोशनी आ गई है तो जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने कल्पना की थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। अच्छा, तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग क्या करते हैं, नकली चीज़ों को असली समझ लेते हैं और असली चीज़ को नकली समझ लेते हैं। जैसे खेत में एक पुतला है, दूर से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कोई इंसान खड़ा है, बट जब हम उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक पुतला है। ऐसे ही ज़मीन पर एक रस्सी होती है, पड़ी होती है, और हम लोग दूर से देखते तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है, बट जब हम लोग पास में जाते हैं ना तो वो सांप नहीं होता, वो रस्सी होती है। और बहुत ढेर सारी हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि एक इंसान से हम लोग मिलते हैं तो उसके बारे में ना हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा होगा। कुछ लोग अच्छा सोच लेते हैं और कुछ लोग बुरा सोच लेते हैं, बट जब हम लोग उस इंसान से 3-4 बार और मिलते हैं तो पता चलता है कि जैसे हम लोग ने सोचा था वैसा तो ये बिल्कुल है ही नहीं, तो तब हम लोग को लगता है अरे यार हम लोग क्या सोच रहे थे। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जब मैंने पहली बार शेर को देखा था, हाथी को देखा था और ऊंट को देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत अच्छी इमेजिन करके रखा था कि वो ना बहुत बड़े होंगे, बट जब मैं उनके सामने गया, जब मैंने उनको देखा तो वो इतने बड़े थे ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, नॉर्मल थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। अब वो बोल रहे हैं कि जब छोटा बच्चा होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बहुत ज़्यादा शरारत करता है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि शांति से बैठ जाओ, अगर तुम शांति से नहीं बैठोगे तो तुमको ना जंगल में छोड़ देंगे, वहाँ पे ना तुमको शेर खा जाएगा। तो वो बच्चा ना इमेजिन करने लगता है और अपने ही इमेजिन करके जो वो कल्पना करता है तो वो सोचता है कि शेर बहुत बड़ा होगा, वो मुझे खा लेगा, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, शेर इतना बड़ा नहीं होता, शेर नॉर्मल होता है। तो हम लोग जो सोचते हैं ना उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, जब हम लोग को रियलिटी में पता चलता है या हम लोग रियलिटी में उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। राइटर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार लंदन गया था, मैंने लंदन के बारे में बहुत कुछ सोचा था कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी और बहुत अच्छा होगा, पर मैं जब लंदन गया तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लंदन ठीक ठाक था, सुंदर था, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं था, एकदम डिफरेंट था। लंदन बहुत ही ज़्यादा छोटा है और ठीक ठाक है, पर मैंने जो सोचा था उससे तो बिल्कुल अलग है। अब वो यहाँ पे ब्लाइंड इंसान के बारे में बता रहे हैं कि जब ब्लाइंड इंसान की रोशनी आ गई है, आ चुकी है, तो जब उसने इमेजिन किया था इस संसार के बारे में कि ये संसार बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, मतलब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, पर जब उसकी आंखों की रोशनी आई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। संसार ठीक ठाक है बट इतना सुंदर नहीं है जैसा सोचा था उसने। अब वो बोल रहे हैं हर एक इंसान के फेस में ना एक चीज़ होती है, वो क्या चीज़ है, वो है जैसे जैसे चालाक, झूठ बोलना, दूसरों का दिल दुखाना, चोरी करना
और बहुत ढेर सारी बातें उनके फेस में होती हैं। राइटर बोल रहे हैं, जो हमारी इमेजिन वाली दुनिया होती है ना, जो हम लोग इमेजिन करते हैं, वो दुनिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कि हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है ना, और इमेजिन वाली दुनिया ना बहुत ही ब्यूटीफुल होती है अकॉर्डिंग टू ये वाली दुनिया से। वो कह रहे हैं कि जो हॉर्स होते हैं, जो घोड़े होते हैं, जिनको रेस के लिए तैयार किया जाता है, उसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो घोड़ा जो रेस के लिए तैयार किया जाता है वो कितना सुंदर होगा, उसके बाल कितने सुंदर होंगे और उसकी आंखें कितनी सुंदर होंगी और बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं। पर रियलिटी में जब हम लोग उस घोड़े के पास जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब राइटर बोल रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं, कुछ ज़्यादा सोच कर हम लोग इमेजिन करने लगते हैं कि वो चीज़ वाओ ऐसी होगी, वो चीज़ वैसी होगी, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होगी, और जब रियलिटी में हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग का मन का नहीं होता जैसे हम लोग ने इमेजिन करके रखा था, मन का नहीं होता, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग अपसेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग किसी भी मूवी के बारे में लोगों के मुंह से सुनते हैं कि तुम्हें पता है ये वाली मूवी कितनी अच्छी है, कितनी मस्त है, और हम लोग इमेजिन करने लगते हैं, बिना देखे इमेजिन करने लगते हैं, अच्छा ये मूवी ऐसी होगी वैसी होगी। और जब हम लोग उस मूवी को वॉच करते हैं, देखते हैं, हम लोग के मन की नहीं निकलती ना जैसे हम लोग ने सोचा होता है, वैसे नहीं निकलती, तब हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये मूवी तो ऐसी थी नहीं जैसे मैंने सुनी थी, जैसे मैंने सोचा था। तो वैसे हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया बिल्कुल, तो हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। तो राइटर अब ये कह रहे हैं कि रियलिटी में जीना सीखो, उसको एक्सेप्ट करो, इमेजिनेशन की दुनिया बहुत ही अच्छी होती है, उसको करना ना छोड़ो, इमेजिन करो, कल्पनाएं करो, बट इतना भी ब्लाइंड उसके अंदर मत घुसो, रियलिटी में जीना सीखो। सो आई होप आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐसे पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।